नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कोरबा करतला बरपाली की बैठक पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर के निवास स्थान बेसमा में संपन्न हुई। बैठक से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत पर फटाका फोड़कर आतिशबाजी के साथ मिठाई बांटकर जश्न मनाया। बैठक में आने वाले चुनाव को देखते हुए मतदान केंद्रों को ठीक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आगमन पर चर्चा की गई। इसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया और क्या क्या समस्या और किस किस ग्राम में क्या मांग है उसको रखने की बात कही गई। चाहे वह किसान की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सड़क की समस्या हो व सहकारिता विभाग की समस्या, अन्य समस्याओं की बातों से अवगत कराया। जिला प्रशासन के माध्यम से अनुमति ली जाए ताकि मुख्यमंत्री से वन टू वन बात कर सके। इन सभी बातों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से चर्चा की गई। अंत में यह भी बात रखी गई कि कांग्रेस पार्टी जिस किसी को भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करती है उसके पक्ष में एकजुट होकर तन मन धन से प्रचार प्रसार में सहयोग करेंगे। बैठक में उपस्थित श्यामलाल कंवर, पूर्व विधायक रामपुर कोरबा ब्लॉक अध्यक्ष अजीत दास महंत, करतला ब्लॉक अध्यक्ष दौलत सिंह राठिया, पूर्व महिला अध्यक्ष मेहदी चौहान, सलीम अजीज खान, वरिष्ठ नेता नसर खान, संतोषी सोनी, उपाध्यक्ष शरीफन, निशा खान, देव मुरत, जगदीश यादव, कृष्णा राजपूत, विक्की मीडिया प्रभारी अशोक कुमार श्रीवास्तव, कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण भारी संख्या में उपस्थित रहे। अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर बताएंगे कर्नाटक के बारे में, आज कांग्रेस की जो सत्ता आई है उसके बारे में जानकारी देंगे। कर्नाटक में राहुल गांधी जी के जो पैदल मार्च जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो किए और सभी लोगों की मन की बात सुने और मन की बात सुन करके जो सारे लोगों के सामने संदेश दिए और सभी कर्नाटक के भाई भाइयों से, भाई बंधुओं से मिल करके याद दिलाए कि गरीबों का सरकार होना चाहिए, ईमानदारों का सरकार होना चाहिए और जो शासन के खिलाफत कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में जो है मत बढ़ना चाहिए। बजरंगबली की कृपा के से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निगरानी में भी बजरंगबली के आशीर्वाद से कर्नाटक फतह किया गया है और पिछले बार जो गैर कांग्रेस के द्वारा जो है नाटक किया गया था उस नाटक का अंत किया गया है और कर्नाटक में पूर्ण रूप से शानदार रूप से कांग्रेस का वापसी हुआ, ऐतिहासिक रूप से वापसी हुई है और जिसके लिए हम सभी कांग्रेस जन खुश हैं और ये खुशी के उपलक्ष्य में आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए कई योजनाओं भी निकाली जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए जो 32 पॉइंट प्रोग्राम अभी पेश किए हैं जिसमें सभी जो है गरीब लोगों के लिए, सभी जो है जो जिनके मकान नहीं है आवासीय योजना के लिए और सभी तरह से सहूलियतें प्रदान की जा रही है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में खास करके अभी सारे जो लोगों को जो है कांग्रेस के द्वारा उन्नति की जा रही है। थैंक यू सर।